हेलो फ्रेंड्स, रनबिज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस प्रोडक्ट और जिस रोग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, उसके बारे में खुद असाइलम परिवार के एमडी गणेश बारहमनकर आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। इनकी बातें बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके पास बहुत ही नॉलेज है और ये बहुत ब्रीफ में हर किसी बात को बताते हैं। और चलिए सुनते हैं सर से। सर बताइए इस प्रोडक्ट और इस रोग के बारे में पूरी जानकारी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गणेश ब्राह्मणकर असाइलम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत और विश्व की सबसे बड़ी परेशानी है ज्वाइंट पेन, जोड़ों का दर्द, गाउट जिसे आप लोग गठिया भी कहते हैं, साइटिका, ये एक उम्र के बाद होने वाली बड़ी जटिल समस्या है। और इन जटिल समस्याओं का समाधान असाइलम लेकर के आई है एक सुंदर से प्रोडक्ट आर्थो कैच के रूप में। आर्थो कैच हम लोगों ने एक वर्ष पूर्व ही सोचा था कि इस प्रोडक्ट को भारत की जरूरत के हिसाब से आज मॉडर्न फूड इनटेक के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया जाएगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी R&D मैंने खुद ने की है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आज भारत के हर एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से बनाया गया है, यहाँ की वातावरण, यहाँ की जलवायु के हिसाब से बनाया गया। अर्थराइटिस के लिए आर्थो कैच कैप्सूल में ऐसा क्या है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अर्थराइटिस है क्या। अर्थराइटिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या, शरीर में कुछ कोशिकाएं अच्छी भी पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं खराब भी पाई जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जब आपकी अच्छी कोशिकाओं को जो खराब कोशिकाओं के माध्यम से नुकसान पहुंचता है, इस डिसीज को या इस परेशानी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से आपके बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में दर्द होता है। इसे डायग्नोस करने की बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, बड़े सिंपल तरीके से आप प्रोसेस को कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग भी आज लेबोरेटरीज में बहुत सस्ती है, जिसे हम RA फैक्टर कहते हैं। RA फैक्टर एक प्रकार का रूमेटिज्म अर्थराइटिस को जानने का फैक्टर है, जो आपके ब्लड से टेस्ट किया जाता है, जिसको आप आराम से करके ये पता लगा सकते हैं कि मुझे अर्थराइटिस है अथवा नहीं है, आपको अर्थराइटिस है अथवा नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आज मार्केट में आपके फूड इनटेक, जो अलग अलग प्रकार के फूड्स आप ले रहे हैं, उसकी वजह से आपके शरीर में एक प्रकार का यूरिक एसिड का निर्माण हो रहा है। और वो यूरिक एसिड बॉडी से एस्क्रिएट नहीं होता, बॉडी से एस्क्रिएट मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे समय पे किडनी एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन करके यूरिक एसिड को निकाल नहीं पाती, और यही वजह से ये यूरिक एसिड वापस आपके जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, वापस आपके जॉइंट में एक्युमुलेट हो जाता है। और इसी एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड को हम गाउट या गठिया कहते हैं। द मेन थिंग इज दैट अर्थराइटिस अलग है, गठिया अलग है, एंड नेक्स्ट इज साइटिका। एक साइटिका भी आज की डेट में बढ़ने वाले एक मूल समस्या के रूप में दिखाई दे रही है, कि कमर के पिछले भाग से लेकर के पैर के नीचे टखनों तक के दो नर्व्स का इन्वॉल्व हो जाना, दो साइटिका नर्व्स का इन्वॉल्व हो जाना, एक दूसरे के साथ चिपक जाना, इस वजह से असहनीय पेन होता है आपको। हम लोगों ने एक ऐसा R&D, एक ऐसा रिसर्च कंप्लीट किया है आर्थो कैच के रूप में, जो अर्थराइटिस, गाउट, साइटिका और नर्व पेन, इन चारों समस्याओं का एकमात्र सॉल्यूशन है। देखिए, आर्थो कैच में ऐसा क्या है जो आपको अर्थराइटिस से बाहर निकालेगा, साइटिका से बाहर निकालेगा, गाउट की समस्या से बाहर निकालेगा? मैं बताता हूं। अर्थराइटिस में कुछ कंपोजिशन में हम लोगों ने कुछ चीजें ऐड की है, जैसे पहला बोस्वेलिक एसिड। बोस्वेलिक एसिड बोस्वेलिया सेराटा है, और उस रॉ मटेरियल से हम बोस्वेलिक एसिड को आइसोलेट करते हैं। ये बोस्वेलिक एसिड की जो पोटेंसी होती है वो 65% होती है, जो हम आइसोलेट करते हैं। और 65% की बोस्वेलिक एसिड की जो पोटेंसी है, इसको हम इस प्रोडक्ट को बनाने में यूज करते हैं। अब बोस्वेलिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अर्थराइटिस, गाउट के ऊपर में काम करता है। कैसे गाउट और अर्थराइटिस के ऊपर में काम करता है? कैसे? गाउट में यूरिक एसिड के डिपॉजिशन को यही निकालता है आपके बॉडी से। द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आपके लिए हमने आर्थो कैच में यूज किया है बोस्वेलिक एसिड, जो ज्वाइंट पेन को, मतलब एंटी इंफ्लामेटरी होने की वजह से इंफ्लामेशन को निकालता है, दूसरा आपके शरीर से यूरिक एसिड के डिपॉजिशन को भी बाहर निकालता है। सेकेंड, रोज हिप, एक
अर्थराइटिस या गाउट की समस्या में पेशेंट के साथ सबसे बुरी हाल होते हैं उसके दर्द, उसके पेंस को, उसके दर्द को निकालने के लिए हमने रोज हिप को ऐड किया हुआ है। रोज हिप आपको एक प्राकृतिक टाइप का पेन किलर है जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने इस प्रोडक्ट के निर्माण विधि में किया हुआ है। अश्वगंधा जो कि साइनोवियल फ्लूइड जो आपकी हड्डियों के बीच में या जॉइंट्स में आपके साइनोवियल फ्लूइड की पूर्ति करता है, एक बॉस्मेलिक एसिड, एक रोज हिप और एक अश्वगंधा, और चौथा मॉलिक्यूल है हड़जोड़। जैसा नाम वैसा काम। हड़जोड़ क्या करता है, आज ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे बड़ी समस्या मार्केट में है। आज बोन्स की डेंसिटी बहुत कम हो गई है और बोन्स की डेंसिटी कम होने की वजह से बोन्स की ताकत कमजोर हो गई और ताकत कमजोर होने से आपके बोन्स बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं। और इसी टूटने की प्रक्रिया को कम करने के लिए, रोकने के लिए हमने हड़जोड़ यूज किया है। और हड़जोड़ यूज करने से क्या हो गया कि ये आपके प्राकृतिक रूप से जो हड्डियों की बनावट है, की शुद्धता है, उसको बनाए रखता है, उसको ताकत प्रदान करता है। एक नेक्स्ट फिफ्थ मॉलिक्यूल इज एकोरस कैलमस। एकोरस कैलमस का काम क्या है? एकोरस कैलमस वैसे तो वेल नोन नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं एकोरस कैलमस को। एकोरस कैलमस आपकी साइटिका की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एज वेल बेहतरीन नर्वाइन टॉनिक होने की वजह से नर्व पेन को भी खत्म करता है। ट्राइट एंड पक्का प्रॉमिस है मेरा, आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत समय बाद रिसर्च एंड अनुसंधान के बाद में डिजाइन किया हुआ एक परफेक्ट प्रोडक्ट है, जो परफेक्ट इंडियंस के लिए, परफेक्ट भारतीयों के लिए तैयार किया हुआ है। कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में हर उस आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाए जहां तक कि इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी जरूरत है। कॉस्ट बहुत रिजनेबल है प्रोडक्ट की, 399 रुपीज की MRP रखी हुई है और 399 रुपीज में हम ये प्रोडक्ट देते हैं। प्लस जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि अर्थराइटिस की समस्या में, गाउट की समस्या में जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उस इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने के लिए आप हमारा एक प्रोडक्ट साथ में लीजिए, सिप्टोजेन कैप्सूल। ये भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ये भी बहुत सस्ता है, अबाउट 350 रुपीज MRP। और इस प्रोडक्ट को भी आप इस प्रोडक्ट के साथ में चला सकते हैं और आप अपने प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। दोस्तों बहुत ही ब्रीफ में हमें इस रोग और इस प्रोडक्ट के बारे में बताया सर ने, हम इसके लिए इनका बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अगली आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ बाय बाय।